लालच और सेक्स का जाल बिछाए बैठे हैं शिकारी। अनजान से दोस्ती बनेगी जी का जंजाल। सेक्स की डिमांड सप्लाई वाली मंडी ऑनलाइन। बस एक कॉल और खेल खलास। फिल्मी दुनिया की यह ड्रीम गर्ल असली दुनिया की भी हकीकत है। जिस तरह पूजा की आवाज में आयुष्मान खुराना कई लोगों को एक साथ बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, ठीक उसी तरह इंटरनेट की दुनिया में भी यूजर्स को चूना लगाने का काम किया जा रहा है। मैं पूजा बोल रही हूँ, क्या हुआ, आवाज अच्छी नहीं लगी? लगी ना तो करना बातें, और भी अच्छी लगी मेरे इमरान हाशमी। फिल्मी दुनिया की यह कल्पना वास्तविक दुनिया की हकीकत है। जी हाँ, यह सच है। युवाओं और मनचली तबीयत के लोगों को फंसाने के लिए ठगों ने ऑनलाइन मंडियां सजा रखी हैं। व्हाट्सएप से लेकर यूट्यूब, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको फंसाने के लिए जाल फैला हुआ है। इस जाल में फंसाने के लिए फरेब के नए नए तरीके इजाद किए गए हैं। कहीं खूबसूरत लड़कियों से दोस्ती का वादा है, कहीं ड्रीम गर्ल से मनचाही बातों का लालच। चंद खूबसूरत अनजान चेहरों के पिक डालकर लोगों को फंदे में फंसाया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस पूरे खेल में न्यूड वीडियो चैट और डेटिंग तक की सेवा देने का दावा किया जाता है। खूबसूरत चेहरे देखकर लोग इसमें फंस जाते हैं और फिर शुरू होता है सौदेबाजी का खेल। किस सर्विस के कितने रुपए, पेमेंट का क्या तरीका और सेटिस्फैक्टरी सर्विस का वादा भी। इस पूरे गेम के लिए बकायदा कॉल सेंटर बनाए जाते हैं। इसमें बकायदा लड़कियों की भर्ती की जाती है जो अपनी मीठी मीठी बातों से लोगों को लुभाती हैं और फेयर सर्विस की गारंटी देती हैं। हर सर्विस का रेट तय होता है, बकायदा टैरिफ प्लान होते हैं। ग्राहक को ऐसे समझाया जाता है जैसे कि इससे सस्ता सौदा कुछ हो ही नहीं सकता। कैसे ग्राहक तैयार होते हैं, कैसे इन्हें लूटा जाता है और कैसे इस पूरे धोखे का खेल खेलती हैं ऑनलाइन ड्रीम गर्ल्स, आगे आपको बताएंगे। ऐश्वर्य प्रधान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। सावधानी ही बचाव है, इंटरनेट पर फरेब की मंडी से बचने का यही फॉर्मूला है। लेकिन अगर आप जरा सा भी भटके तो फिर गए काम से। इसलिए अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो तो सावधान हो जाइए। दोस्ती और सेक्स के नाम पर बाजार में ठगी का महाधंधा परवान पर है। फर्स्ट इंडिया न्यूज का स्टिंग ऑपरेशन ड्रीम गर्ल ऑनलाइन देखिए।
अगर आप अपने मोबाइल के जरिए लगातार इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान रहना होगा। बाजार में मन को ललचाने वाले ऐसे कई धंधे पनप रहे हैं जिनकी ना तो कोई शिकायत करता है और ना ही उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग। ऐसे में ये धंधे परवान पर हैं। टीनेजर्स और यूथ पर सबसे ज्यादा फोकस है। इस पूरे धंधे के लिए मोबाइल पर मैसेज भेजा जाता है, लिंक भेजा जाता है, ईमेल भेजा जाता है, आपके फोन पर लगातार फोन नंबर भी भेजे जाते हैं। मोबाइल पर सोशल मीडिया के जरिए एक के बाद एक कई लिंक आते हैं। इन लिंक्स में आपसे कहा जाता है कि दोस्ती कीजिए, मनचाही बातें कीजिए या फिर व्हाट्सएप के जरिए खुलकर करें बात, दोस्त बनाएं। बात यहीं खत्म नहीं होती, ऑफर वीडियो कॉलिंग का भी दिया जाता है। ये कहा जाता है कि अपना अकेलापन दूर करें, या फिर एक मैसेज ऐसा भी आता है जो खुलकर कहता है आप डेटिंग कीजिए। ऑनलाइन चलने वाले ये धंधा हर तबके के इंसान को अपनी गिरफ्त की लेने की जुगत में है। अगर व्हाट्सएप का कोई इस्तेमाल करता है तो व्हाट्सएप के जरिए लड़की अपनी आवाज में कुछ इस तरीके से बात करती है कि चैटिंग को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं माजरा क्या है। डेटिंग के नाम पर कई तरह के ऑप्शन दिए जाते हैं। ऑनलाइन खाते में पैसा जमा कराइए और दोस्त बनाइए। व्हाट्सएप पर ऑडियो कॉल के लिए रेट कम, वीडियो कॉल में न्यूड तस्वीरें दिखाने के रेट ज्यादा और शहर में व्यवस्था करवाने के रेट सबसे ज्यादा। फर्स्ट इंडिया न्यूज की टीम ने बोगस ग्राहक बनकर खास तौर पर जब बात की तो व्हाट्सएप पर कुछ इस तरह से बोली ये महिला। लाइन जब इंटरनेट पे देखा तो आपका नंबर मिला। सर, हमारा जो कंपनी है सर, यहाँ पे फीमेल प्रोवाइड होता है सर, ऑल इंडिया का सर्विस प्रोवाइड होता है। तो आपको जहाँ पे सर्विस चाहिए वहाँ पे आपको हाइपरपल मैन प्रोवाइड करके दिया जाएगा सर। अच्छा, तो हमको जयपुर में सुविधा मिल जाएगी? जी सर, जयपुर में आपको मिल जाएगा सर, अवेलेबल मैडम है, हमारा सर्विस वहाँ पे अवेलेबल होगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो उसमें जैसे सुविधा मिलेगी तो उसमें हमें कोई ऐसे जैसे हमारे एज से बड़ी मिल जाए, मिल गई तो हमारे एज से छोटी मिल जाए जैसे। सर इसमें फोर्टी तक इसमें मैडम होगा, आपको जितना एज में मैडम चाहिए उतना एज में आपको ले दिया जाएगा। ठीक है, और मैरिड अनमैरिड आउट ऑफ कॉलेज का जैसे चाहिए वैसे ही मिलेगा। आप मैम का सर कुछ भी रिलेशन कर सकते हैं, या डेटिंग लेटिंग चैटिंग वीडियो कॉलिंग या नॉर्मल रिलेशन या फिजिकल इंजॉयमेंट, ठीक है, जो भी रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं सर। सबसे पहले व्हाट्सएप पर बात की जाती है जिसमें वो अपना परिचय देती है और नाम बताती है कोमल से। इसके बाद लिखती है मुझसे दोस्ती करोगे और यहीं से शुरू होता है इस काले धंधे का ललचाने वाला खेल। ये काल्पनिक सेक्स की दुनिया है। पहले ऑडियो मैसेज भेजकर कहा जाता है ये फ्रेंडशिप चैट सर्विस है। इसमें सबसे पहले पेटीएम किया जाता है। आप पेटीएम करने में इंटरेस्टेड हैं? बातचीत की शुरुआत होती है मीठी मीठी बातों से। यकीन दिलाया जाता है कि आप सही प्लेटफॉर्म पर हैं। फिर रेट लिस्ट और टैरिफ पर बात आती है। कहा जाता है कि 500 रुपए का पेटीएम करोगे तो उसमें सभी तरह की हॉट एंड सेक्सी हर तरह की बात कर सकते हैं, जिसमें पर डे 2 घंटे बात कर पाएंगे। इतना ही नहीं, हॉट सेक्सी बातों को लेकर फुल न्यूड वीडियो कॉल तक का लालच शामिल होता है। आपके शहर में ही डेटिंग की सुविधा का वादा होता है और सबसे बाद में आती है पेटीएम नंबर पर बात। पैसे जमा करने के लिए बोला जाता है। कुल मिलाकर इस ऑडियो चैट में तमाम तरीके की बातें होती हैं, लेकिन जब कहा जाता है कि पैसे की गारंटी क्या है तो या तो फोन काट दिया जाता है या फिर कहा जाता है पूरी गारंटी है। उसके लिए अब मुझे करना क्या पड़ेगा? जैसे आज ही मेरी व्यवस्था नहीं करवा देंगे आप? आज करवा दो मेरी व्यवस्था। हाँ, अगर आप अभी पहले पेमेंट करके मुझे ज्वाइनिंग करोगे तो पेमेंट करोगे तो अभी आपको अभी सर्विस दिया जाएगा। 10 मिनट के अंदर आपको मैम का डिटेल्स, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, मैम का घर का एड्रेस, ठीक है, आपको दिया जाएगा आईडी नंबर। फिर आप आधा घंटा से 1 घंटे के अंदर मैडम के रूम पर जाकर मीटिंग ले सकते हैं। अच्छा, तो उसके लिए क्या बाद में पहले रजिस्ट्रेशन कर दो, बाद में पैसे ले लेना? पहले आपको पेमेंट करके आपको आईडी नंबर लेना होगा सर, टोकन बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद आपको टोकन। पेमेंट कितना चाहिए? कितना? 3000। ठीक है, हमने 3000 आपका 6 मंथ का वैलिडिटी होगा और मैडम का सेट आपको हर मीटिंग में 10 से 15% इनकम होगा। अगर मैम का जितना फुल इंजॉयमेंट या फिजिकल रिलेशन अगर जितना सेटिस्फाइड होगी। फरेब की इस ऑनलाइन मंडी में ऑनलाइन कमाई और सेक्स का जाल है। फंसने के बाद निकलना मुश्किल है। बेरोजगार युवक इसके सॉफ्ट टारगेट होते हैं। 3000 से 15000 रुपए रोजाना कमाने का लालच भी दिया जाता है। ये पैसा आप कैसे कमाएंगे इसके तरीके बताए जाते हैं। कहा जाता है कि आपको हाई प्रोफाइल महिलाओं का मनोरंजन करना होगा, यानी ऐसी महिलाओं के साथ समय गुजारना होगा जो अकेली रहती हैं।
यानी इन माफियाओं की नजर में महिलाओं की गरिमा का कोई ख्याल नहीं होता और एक झूठ के दम पर ये युवाओं से मोटी ठगी करते हैं। वो बाद में जैसे हम उनके साथ इस तरीके से करते हैं तो बाद में हमें परेशान तो नहीं करेगी वो? नो सर, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगा सर। मैडम सर यहाँ पे एंजॉयमेंट करने के लिए लॉगिंग किया था सर, ठीक है, मेंबरशिप लेके। एंजॉयमेंट में क्या, किस मतलब पूरा एंजॉयमेंट क्या कुछ या फिर थोड़ा बहुत? क्या एंजॉयमेंट पूरा देंगे या थोड़ा बहुत देंगे सर? आपको प्लीज दो मीटिंग मैम के साथ मेंटेन कर सकते सर, आपका एक मंथ में 800 मीटिंग मैम के साथ कर सकते सर, ठीक है। तो आप चाहते तो 8 दिन मैम के साथ मीटिंग कर सकते सर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए पहले आपको हमारे कंपनी में मेंबरशिप के ज्वाइनिंग करना होगा सर, 4 दिन करके। वास्तविकता से परे इस धंधे में जब कोई फंस जाता है तो फिर ठगी का ये सिलसिला लंबा चलता है। कमाल की बात यह है कि बरसों से चले आ रहे इस धंधे के बारे में पुलिस तक शिकायतें काफी कम पहुंचती हैं। इसकी वजह यह है कि इनके चंगुल में फंस चुके युवक को इतना अपराध बोध होता है कि वो पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वो पुलिस के पास जाने से डरता है क्योंकि उसे समाज में अपनी बेइज्जती का डर लगा रहता है। लेकिन इस धंधे से जुड़े लोग बेशर्मी से अपना शिकार तलाशते रहते हैं। कहीं दोस्ती के नाम पर 1600 रुपए खाते में जमा करवाने की बात कही जाती है तो कहीं 3200 रुपए। हद तो तब हो जाती है जब ये महाठगी वाली महिलाएं या फिर ऑनलाइन महाठगी का काला धंधा करने वाले लोग अपने आप को सरकारी तक बता देते हैं। नहीं तो उसके लिए पैसे जैसे आपको हम देंगे तो पैसों को जमा करा देते हैं, मान लो हमारे पैसे डूब गए तो आप वापस दे देंगे? अगर हमें हम सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो पैसे वापस दोगे? हाँ 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 सर, आपको रिटर्न हो जाएगा। अच्छा, पैसा वापस मिल जाएगा? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी। बोलिए सर, ज्वाइन करोगे? हाँ, तो 3000 से थोड़ा कम नहीं करोगे? तो बहुत ज्यादा लग रहा है। और एक एक जगह हमने बात की थी, वो तो 1600 रुपए ही मांग रहा था। नो सर, सॉरी सर, थैंक यू। आपको ऐसे वन टाइम का चार्जेस है, ठीक है, एक बार ही लगेगा। नहीं तो वो दूसरा हमने अभी इंटरनेट पे ही देखा था, इंटरनेट पे देखा तो वो तो कह रहा था कि 1600 रुपए दे दीजिए, हम आपको वही सुविधा दे देंगे जो आप दे रही हैं। नहीं सर, आपको गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, आपको यहाँ पे एक बार चार्जेस पे करके ज्वाइनिंग करना होगा सर। बाद में आपको 6 महीने मैम से मीटिंग करके आपको फिर नहीं होगा, ठीक है। नहीं तो गवर्नमेंट से क्या रजिस्ट्रेशन होता है आपका? हाँ, मैडम ने कल यहाँ पे चार्जेस पे करके ज्वाइन किया था सर, मेंबरशिप लेके, ठीक है। आपको अगर आप करना है तो पहले आपको चार्जेस पे करके आपको प्रोफाइल भी बनाना होगा सर, तो आप ले सकते हो। बोलिए, तो ये कौन सा सरकार का है, यहाँ का, दिल्ली सरकार का? सर मैं वेस्ट बंगाल कलकत्ता से बोल रही हूँ, मेरा जो कंपनी का एग्जाम सर बंगाल से है। हाँ। तो उसका कोई सरकारी, पूरा सरकारी अंदाज से करते हो? हेलो जी। बाजार में इंटरनेट पर युवाओं और खासकर टीनेजर्स को जिगोलो या प्ले बॉय बनकर हजारों रुपए कमाने का लालच दिया जाता है, लेकिन थोड़े थोड़े पैसे करके करोड़ों रुपए अपने अकाउंट में बेरोजगारों से इस काले धंधे में उगाही कर ली जाती है। बेरोजगारों की मजबूरी होती है कि आखिरकार अपनी तकलीफ बताएं तो किसे बताएं। अच्छा, हम उनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाएंगे तो हमें पैसे मिलेंगे? यस सर, ठीक है। कितना, एक बार का कितना मिलेगा जी? सर 10 से 15,000 तक आपको इनकम होगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ वन टाइम चार्जेस पेमेंट करके आपको मेंबरशिप देना होगा सर 3,000, ठीक है सर जी। हर एक पेमेंट आपको ऑनलाइन से पेमेंट करना पड़ेगा सर, कंपनी का ओनर अकाउंट दिया जाएगा, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, पेटीएम बैंक से मनी ट्रांसफर, इस प्रोसेस में पेमेंट करना होगा। तो आपका आपका पेटीएम नंबर और या फोन पे नंबर दे दीजिए, हम कर देंगे। लेकिन फिर वापस अगर हमारे को व्यवस्था नहीं हुई तो पैसा वापस दोगे ना? पेटीएम नंबर नहीं है, आपको जो कंपनी का ओनर अकाउंट दिया जाएगा, आप फोन पे या गूगल पे टू अकाउंट, गूगल पे या बैंक में जाकर कैसे बोल इसका दुकान में एटीएम, पेटीएम, आपका आसपास का मनी ट्रांसफर का दुकान है तो उसमें जाकर भी कर सकते हैं। इस कार्यक्रम को दिखाने के पीछे फर्स्ट इंडिया न्यूज का मकसद है कि लोग जागरूक हो सके, इस फरेब के जाल में फंसने से बच सके। इसके लिए क्या करें क्या ना करें ये जानना भी जरूरी है। अनजान या संदिग्ध मैसेज को नजरअंदाज करें, किसी सूरत में इन ठगों की बातों पर यकीन न करें, अपने बैंक अकाउंट या दूसरी गोपनीय जानकारियां साझा न करें, ऐसे लोगों को ब्लॉक कर दें, ऐसी किसी भी जानकारी को साइबर पुलिस से साझा करें, ऐसी ठगी से परिवार और आसपास के लोगों को जागरूक करें। ऐश्वर्य प्रधान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।